देखो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और देखो कमजोर भी हमेशा जीत हारता है बोल के बात नहीं है, कमजोर का भी तेल का मुताबिक आपका नंबर 18 वर्ल्ड का नंबर 18 जो है वो नंबर 1 को जीत सकते हैं, तो आप लोग क्या है, आप लोग तो अभी मैदान में है, सबका जोश में है, फील्ड में हमेशा जोश से खेलो, कभी डरना नहीं हाँ, और कभी मोरल डाउन नहीं होना है। वेस्ट यंग जब जब जीता है ना वो कभी नंबर 1 नहीं था, सुना है, इसलिए वेस्ट यंग अभी हांगपन दादा में गर्ल्स का भी विनिंग विनर ट्रॉफी है, बॉयज का भी विनर ट्रॉफी है, ये दो ट्रॉफी वेस्ट यंग का पास। गुड इवनिंग एवरीवन, डीएफए सेक्रेटरी केंद्र होता है, मैं बताना चाहता हूँ कल वेस्ट यंग डिस्ट्रिक्ट ओमेन्स टीम लपारादा के लिए जाएगा, वहाँ में ओमेन्स चैंपियनशिप हो रहा है, वहाँ में 8 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कल यहाँ से हम लोग लपारादा के लिए जाएगा, तो आज हम लोग जर्सी लॉन्चिंग कर रहे हैं वेस्ट यंग टीम का, तो एक जर्सी जो है हम लिया लोई ईयर लिया लोई ने स्पॉन्सर किया दजुम रिसोर्ट के नाम पर, और दूसरा जो है ओलंपिक एसोसिएशन ने स्पॉन्सर किया, और बाकी जितना प्लेयर का और टीम का बारे अब मैं आपको आप सबको मेरा कोच कार्ल गोमदीर बताएंगे। हेलो गुड इवनिंग, तो ऐसे है अभी वुमेन चैंपियनशिप के लिए वेस्ट यंग फर्स्ट टाइम घुस रहा है, तो जितना मेरा स्टूडेंट लुक है वो भी सभी इनिशियल स्टेज में है, सभी लोग फर्स्ट टाइम एक ऐसे बड़ा टूर्नामेंट ऐसे बड़ा स्टेज में खेलने जा रहा है, तो हमारा तरफ से और वेस्ट यंग डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का तरफ से भी ये है कि बेटियों को लड़की लोग को हम लोग आगे बढ़ाना है, नॉट ओनली फॉर बॉयज़, गर्ल्स को भी हम लोग को ध्यान देना है, तो वहाँ पे जाके भी जितना भी हो फर्स्ट टाइम हो जीतो हारो अलग बात है, कोई नहीं कुछ नहीं, लेकिन पार्टिसिपेट कर रहा है एक कोई तो शुरुआत करना पड़ेगा, जे लड़की को लेके भी गर्ल्स फुटबॉल को लेके भी, और आजकल गर्ल्स फुटबॉल वुमेन्स फुटबॉल बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे बहुत आगे जाने का भी चांसेस है, अभी बहुत सब प्लेयर अरुणाचल का भी आपका इंडियन वुमेन्स लीग खेल रहा है, नेशनल टीम के लिए खेला हुआ बहुत सारा लड़की है, तो गर्ल्स में भी बहुत ही अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए डीएफए मेंबर और हम लोग भी अपना तरफ से पूरा 100% कोशिश कर रहा है कि हम लोग भी अपना जितना 100% गर्ल्स फुटबॉल को दे सकेगा, मेंस फुटबॉल को जैसे देता है गर्ल्स को भी इक्विवेलेंट गर्ल्स हम लोग सभी लोग अच्छा से फोकस करने का, ये फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो जितना भी जो भी है सभी साथ दीजिएगा यहाँ पे, और बासर में भी जितना भी वेस्ट यंग का मेंबर लोग या फिर जो भी आदमी पब्लिक लोग बैठा हुआ है आप लोग भी मैच डे में मैच देखने आइएगा और सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू। तो आपने खुद कहा था कि वेस्ट यंग डिस्ट्रिक्ट में जो वुमेन है वो टीम आज अभी कल फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो ये स्पोर्ट में बोले तो काफी फाइनेंशियल में भी प्रॉब्लम दिखाई देता है, हम लोग भी खुद देखा है, जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट का तरफ ऑफिसर का तरफ से भी मदद नहीं मिलता है, तो आप लोग को क्या ये जो वेस्ट यंग डिस्ट्रिक्ट वुमेन फुटबॉल टीम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हेल्प आपको दिया है फाइनेंशियल? तो ये ऐसा है स्पोर्ट्स को लेके बहुत सारा फंड आता है बोल के नहीं है, जो भी है एनजीओस जो भी है खुद का डीएफए मेंबर्स ओलंपिक एसोसिएशन इन लोग खुद का मेहनत से जो भी मेंबर लुक है वो खुद से कंट्रीब्यूट करके जितना भी है जो भी कुछ है सब कुछ खुद से ही कराता है, खुद का पॉकेट से ही जितना जाना है जाता है, और हम भी यहाँ पे करा रहा है कुछ, मेरा भी मोटिव नहीं है कि इंटेंसिव नहीं है कि हमको यहाँ पे कुछ ये मिलेगा वो मिलेगा कुछ नहीं है, जस्ट गर्ल्स फुटबॉल को आगे ले जाना है, कोई तो शुरुआत करना पड़ेगा अच्छा चीज़ के लिए अच्छा काम के लिए, वही।